हेलो एवरीवन, आप लोग का हमारे चैनल में स्वागत है। अगर जो आप हमारे चैनल में नया हो तो प्लीज़ चैनल को लाइक और सब्सक्राइब कर दीजिएगा और बेल आइकन को क्लिक कर दीजिएगा ताकि मैं कोई भी वीडियो अपलोड करूं तो नोटिफिकेशन सबसे पहले आप लोग के पास जाए। दोस्तों, ये टाटा VS6 की गाड़ी है और इसमें CR सिस्टम फॉल्ट का सिग्नल दे रहा है। तो चलिए देख लेते हैं कि कौन कौन सा फॉल्ट कोड एक्टिव है और ये सिग्नल क्यों दे रहा है। तो आप लोग देख सकते हैं 3936 है, 3060 है और 5842 है और 101 है। चार फॉल्ट कोड एक्टिव है दोस्तों। तो जो 5842 है और 3936 है ये यूरिया से रिलेटेड है। जैसे कि हमारा यूरिया मलफंक्शन नहीं करेगा तो ये सब फॉल्ट कोड एक्टिव हो जाएगा। और 360 जो फॉल्ट कोड है वो इंजन कूलिंग सिस्टम मॉनिटर का है। तो चलिए हम अपना मिनी कनेक्ट कर लेते हैं और देखते हैं कि कौन सा फॉल्ट कोड कितने बार एक्टिव और इनएक्टिव हुआ है। तो मैंने अपना मिनी कनेक्ट कर लिया है, चलिए फॉल्ट कोड चेक कर लेते हैं। तो चलिए फॉल्ट कोड में जाते हैं और देख सकते हैं कि जो क्रैंकेज प्रेशर का जो सिग्नल दे रहा था 101 वो 20,000 से ऊपर काउंट हुआ है। और एक उसमें एक और फॉल्ट कोड है, वही क्रैंकेज प्रेशर का, वो 716 बार काउंट हुआ है। तो इतना बार काउंट होने का मतलब लोग समझ सकते हैं दोस्तों, क्योंकि कोई सा भी फॉल्ट कोड अगर जो 5 बार से ज़्यादा बार काउंट होता है तो हमें उसे देखना चाहिए कि आखिर ये बार बार काउंट क्यों हो रहा है, क्यों बार बार इनएक्टिव हो रहा है। तो उस चीज़ को हमें विशेष ध्यान देना चाहिए। और ये जो फॉल्ट कोड है दोस्तों 20,000 प्लस काउंट हुआ है। तो चलिए मैं आप लोग को वहाँ पर लेके चलता हूँ जिस चीज़ का ये सिग्नल दे रहा है। तो देख सकते हैं दोस्तों, ये हमारा क्रैंक रीडर है और इसमें एक फ़िल्टर लगा होता है। तो अगर जो हमारा फ़िल्टर ख़राब होगा तो ये सिग्नल देगा, नहीं तो फिर हमारा जो सेंसर होता है क्रैंकेज प्रेशर सेंसर उसका इश्यू होगा तब ये सिग्नल देगा। तो 20,000 से ज़्यादा बार ये काउंट हुआ है तो कहीं ना कहीं ये हमारा जो फ़िल्टर है वो ख़राब है। तो चलिए एक बार हम इसको निकाल के देख लेते हैं कि हमारा फ़िल्टर सही है कि नहीं है, या हमारा सेंसर ख़राब है या वायरिंग का इशू है। तो चलिए चेक कर लेते हैं। तो इसको ऊपर से नचा के खोला जाता है, अगर जो ज़्यादा टाइट रहेगा तो आप फिल्टर पाना से भी खोल सकते हैं। तो इस पर हार्ड मटेरियल का यूज नहीं कर सकते हैं क्योंकि ये फाइबर का होता है और हार्ड मटेरियल से ठोकेंगे तो फट सकता है, इसलिए हम हार्ड मटेरियल का यूज नहीं करेंगे। आप लोग देख सकते हैं कि खुल गया है। और चलिए खोल के जो हमारा फिल्टर उसको बाहर ले लेते हैं और देखते हैं कि हमारा फिल्टर ख़राब तो नहीं है। तो चलिए फ़िल्टर को बाहर निकाल लेते हैं और निकाल के फिर देखते हैं। तो आप लोग देख सकते हैं कि जो इसका फ़िल्टर है क्रैंक ब्रीदर का वो बिल्कुल ख़राब हो चुका है, इसलिए जो इसका फॉल्ट कोड बार बार इनएक्टिव हुआ था और 20,000 से ऊपर बार काउंट हुआ था जो इसका फॉल्ट कोड था 101 का। और ये इसका फ़िल्टर ख़राब हो गया था, इसी कारण ये 101 का सिग्नल दे रहा था। तो चलिए हम इस फ़िल्टर को चेंज कर लेते हैं और चेंज करके इसमें नया फ़िल्टर लगाते हैं। तो आप लोग देख सकते हैं हमारे हाथ में नया फ़िल्टर है और इस फ़िल्टर को लगाएंगे और लगाने के बाद से देखते हैं कि जो हमारा प्रॉब्लम है, जो फॉल्ट कोड शो हो रहा है वो क्लियर होता है कि नहीं होता है। तो चलिए हम इस फ़िल्टर को लगा लेते हैं और लगाने के बाद से फिर जो भी हमारा फॉल्ट कोड इनएक्टिव है या एक्टिव है उन सबको क्लियर करेंगे। तो चलिए हम इस फ़िल्टर को टाइट कर लेते हैं और टाइट करके मैं आप लोग को इसके डायग्राम के बारे में बता देता हूँ ताकि कभी भी आप लोग को फ्यूचर में इससे रिलेटेड प्रॉब्लम आए और फिल्टर चेंज करने के बाद भी आपका प्रॉब्लम क्लियर नहीं होता है तो उस कंडीशन में आप लोग जो क्रैंकेज प्रेशर का सेंसर होता है उसकी वायरिंग को चेक कर लें। और या वायरिंग चेक करने के बाद भी प्रॉब्लम क्लियर नहीं होता है तो आप लोग सेंसर चेंज करके देख सकते हैं। तो ये फ़िल्टर टाइट करने के बाद मैं आप लोग को इसका डायग्राम के बारे में बता दूँगा और आप लोग को दिखा दूंगा कि जो इसका डायग्राम और किस प्रकार है ताकि फ्यूचर में कभी भी आप लोग को इससे रिलेटेड प्रॉब्लम आए तो आप लोग इस वीडियो के माध्यम से उसे ठीक कर सकें। तो देखिए जो फ़िल्टर है टाइट हो चुका है और चलिए मैं आप लोग को इसके डायग्राम के बारे में बता देता हूँ कि इसका डायग्राम किस प्रकार है। तो आप लोग देख सकते हैं कि एक तरफ हमारा क्रैंकेज प्रेशर सेंसर है और दूसरी तरफ हमारा इंजन हार्नेस कनेक्टर है यानी ECM J1 कनेक्टर। तो क्रैंकेज प्रेशर का जो वायर है वो हमारा ECM J1 कनेक्टर में जाते हैं जो हमारा इंजन हार्नेस होता है। तो इसमें 3 वायर होते हैं क्रैंकेज प्रेशर सेंसर में,
जिसमें एक 5 वोल्ट सप्लाई आता है, एक रिटर्न का होता है, रिटर्न मतलब कि ग्राउंड, और एक सिग्नल का होता है। तो जो इसका एक नंबर पिन होता है वो उसमें 5 वोल्ट सप्लाई आता है, जो ECM के G1 कनेक्टर के 90 नंबर पिन में जाता है, और जो इसका 2 नंबर पिन होता है वो रिटर्न का होता है यानी ग्राउंड का, जो ECM के G1 कनेक्टर के 40 नंबर पिन में जाता है, और जो इसका 3 नंबर पिन है वो सिग्नल का होता है, जो ECM के G1 कनेक्टर के 38 नंबर पिन में जाता है। इस प्रकार इसका डायग्राम है। तो चलिए एक बार फॉल्ट को क्लियर कर लेते हैं, और क्लियर करके देखते हैं कि जो भी फॉल्ट कोड एक्टिव या इनएक्टिव था वो क्लियर हो रहा है कि नहीं हो रहा है। तो क्लियर होने में 30 सेकंड का टाइम लगता है, तब तक आप लोग वीडियो में बने रहिएगा ताकि आप लोग को पूरी जानकारी मिल सके और जिससे आप लोग का हेल्प हो सके, क्योंकि आप ही लोगों की हेल्प के लिए मैंने ये वीडियो बनाया है। तो देखिए जो भी फॉल्ट कोड था सब क्लियर हो चुका है, फॉल्ट कोड नो शो हो रहा है, मतलब कि 0 दिखा रहा है। तो चलिए मैं आप लोग को क्लस्टर मीटर दिखाता हूँ जहाँ पे हमारा सिग्नल दे रहा था। तो आप लोग देख सकते हैं जो भी चेक ML का सिग्नल था वो हट चुका है, और जो SER सिस्टम फॉल्ट लीक किया रहा था हमारे क्लस्टर मीटर में वो कुछ दिखाई नहीं दे रहा है, यानी जो भी हमारा फॉल्ट कोड था वो क्लियर हो चुका है। तो इस तरीके से आप लोग भी अपनी प्रॉब्लम को ठीक कर सकते हैं। तो उम्मीद करता हूँ दोस्तों कि आप लोग को हमारा वीडियो अच्छा लगा होगा, तो प्लीज़ वीडियो को लाइक और शेयर कर दीजिएगा, और कमेंट बॉक्स में कमेंट जरूर करिएगा कि आप लोग को हमारा वीडियो कैसा लगा, ताकि मैं फिर आप लोग के लिए एक अच्छी सी वीडियो लेके आऊँ और जिससे आप लोग का हेल्प हो सके। तो वीडियो देखने के लिए थैंक यू दोस्तों।